हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक टू न्यू में। हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड बेहद आसानी से घर बैठे लैपटॉप या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अगर आप लोगों से कोई भी इसमें पैसे मांगता है अपना राशन कार्ड बनवाने के, तो आप लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर कोई परेशानी आती है अपना राशन कार्ड बनवाने में, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप लोगों की मदद करेंगे जिससे आप लोग अपना राशन कार्ड बेहद आसानी से बनवा सकें। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के नीचे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करना है। उसको जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने एक ही वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। दोस्तों ये वेबसाइट मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ही चलाई जा सकती है। तो दोस्तों ये वेबसाइट खुल आने के बाद आप लोगों को इसमें देखना है कि इसमें पूरी डिटेल्स दे दी गई है कि कौन कौन कैसे राशन कार्ड अपना बनवा सकता है छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों सबसे इसमें आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे, देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें आप लोग अपना राशन कार्ड बनवाने का कोई भी ऑप्शन चूज़ करें और उसको जैसे ही आप लोग चुनेंगे, तो आप लोग अपने राशन कार्ड जैसे आवेदन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन हो सकता है। APL राशन कार्ड के लिए आवेदन हो सकता है। राशन कार्ड की जानकारी के लिए भी इसमें बताया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि राशन कार्ड कैसे आप लोगों को आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आवेदन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आप लोगों के सामने एक ऐसा एक फॉर्म भर के आ जाएगा। इसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसमें पूरी डिटेल आप लोग भर सकते हैं। इसमें देखिए दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी, जिसमें पूरे परिवार की फ़ोटो होनी चाहिए, ग्राम या वार्ड जो आप लोगों को लगता हो, ग्राम पंचायत और आपकी नगर या तहसील जिला पूरा भर देने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे आना। इसमें हिंदी में नाम लिखना है, इसमें इंग्लिश में नाम लिखना है, यहाँ पे पिता या पुत्र का नाम या फिर पति का नाम, अगर आप कौन सी आपकी जनजाति है उसका इसमें चुनना है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति या अन्य जाति। उसके बाद इसमें आप लोगों को मकान नंबर लिखना है, गली नंबर अगर आपका कोई हो तो उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मोहल्ले का नाम लिखना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर डेट और यहाँ पर आपकी आधार कार्ड के हिसाब से उम्र की जो डेट आपकी जन्म हुआ था उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको मूल्यांकन दुकान मिलेगी उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। या फिर आप लोग भी इसको भर सकते हैं, जैसे आपके ज़िले में जो दुकान लगती हो, आपके शहर की जो दुकान लगती है उस पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। इसमें आधार कार्ड से जुड़े हुए सारे नाम लिखने हैं जो आप लोगों के परिवार में रहते हैं, उन सभी लोगों का आधार कार्ड बना होना बहुत ज़रूरी है। जन्मतिथि कितनी है, आधार कार्ड संख्या इसमें लिखनी है, लिंग क्या है, पुरलिंग स्त्रीलिंग, और इसमें उसके बाद आवेदन मुखिया से संबंध क्या है। जैसे यहाँ महिला मुखिया के ऊपर ही मेनली ये बनाया जाता है, महिला मुखिया के नाम पर ही अगर आप लोग बनाएंगे तो काफ़ी फायदे इसमें उठा सकते हैं। उसके बाद दूसरा पेज आप लोगों को यहाँ पे दिख के आएगा, जिसमें स्थान का नाम लिखना है, इसमें दिनांक लिखनी है, आवेदन के हस्ताक्षर नाम लिखना है, ऊपर यहाँ पर साइन करनी है इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना संबंध बताते हुए यहाँ पर पूरा हाँ ना में टिक करते हुए आप लोगों को आना है, और यहाँ पर अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और नाम पता लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये सबमिट करना है और ये आप लोगों को फॉर्म भर के दे दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का राशन कार्ड आपके घर पर बन के आ जाएगा, या कुछ आसान तरीके जिनसे आप लोग अपना राशन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं।